प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद किए गए पहले मन की बात रेडियो प्रोग्राम के 111वें एपिसोड में कहा कि मैंने कहा था चुनाव नतीजों के बाद फिर मिलूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। इसी बीच मुझे आप लोगों के लाखों संदेश मिले। चुनाव के दौरान मन को छू लेने वाली कई खबरें आई। 65 करोड़ लोगों ने चुनाव में वोट डाला। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि एक पेड़ अपने नाम पर जरूर लगाएं। पेड़ लगाने से धरती माँ की रक्षा होगी। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर पीएम मोदी ने कहा, मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूँ। माँ के रिश्ते और पर्यावरण पर पीएम मोदी ने कहा, मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा है, तो आप जरूर कहेंगे माँ। हम सबके जीवन में माँ का दर्जा सबसे ऊँचा होता है। इसी सोच से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर लगाया है। हूल दिवस का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज 30 जून का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच।